वायरल एक वीडियो में कुछ लोगों द्वारा एक नेता को पीटते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ते हुए इस क्लेम से शेयर किया जा रहा है कि वोट मांगने गए बीजेपी के नेता के लोगों को जमकर पीटा गया। हमारे फैक्ट चेक में इस वीडियो की पड़ताल करते हुए सच्चाई का पता लगाया गया है। पता चला कि वीडियो अभी का नहीं बल्कि 2019 की पुरानी घटना है। वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव के दौरान का है, जब करीमपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन तत्कालीन बीजेपी नेता जयप्रकाश मजुमदार को पीटा गया था। इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जयप्रकाश मजुमदार को पीट दिया। 2019 में जब पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और करीमपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार जयप्रकाश मजुमदार के साथ नादिया जिले के फिपुल खोला इलाके में मतदान केंद्र में दाखिल होते समय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर मारपीट की। तब जयप्रकाश मजुमदार ने तृणमूल के गुंडों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कई आरोप लगाए। इसके बाद साल 2022 में बीजेपी ने मजुमदार को निलंबित कर दिया, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इसलिए ये प्रूव होता है कि पुराने वीडियो को अभी चल रहे लोकसभा चुनाव में फर्जी तरीके से जोड़कर वायरल किया जा रहा है।